हेलो, यहाँ यूट्यूब फैमिली। देखिए, मैंने सावन सोमवार व्रत का उद्यापन कैसे किया है। आज है पूर्णिमा तिथि और आज ही रक्षाबंधन है। तो सबसे पहले मैंने एक कपड़ा बिछा लिया, उस पर अपने शिव पार्वती के लिए आसन दे दिया है और गणेश जी के लिए। अगर आपके पास पीतल के गणेश जी नहीं हो तो आप सुपारी के गणेश जी बना सकते हैं। मैंने पीतल वाले गणेश जी को विराजमान कर दिया है। आप दीपक रखना है, दीपक शिव जी के दाएं हाथ की तरफ रखा जाता है, तो मैंने दाएं हाथ की तरफ दीपक रख लिया है। अब एक प्लेट ले ली है मैंने, उस पर एक मतलब बर्तन रख लिया है जो मैं शिव जी का अभिषेक करूँगी। और मैंने मिट्टी की शिवलिंग नहीं बनाई है, पार्थिव शिवलिंग नहीं बनाई है। मेरे पास जो शिवलिंग थी मैंने वही विराजमान कर ली है। मैंने एक बेलपत्र रख दिए, उस पर अपनी शिवलिंग को रख लिया है। अब मैं कर रही हूँ अभिषेक। तो सबसे पहले हम गणेश जी का पूजन करेंगे, मतलब गणेश जी को तिलक लगा लिया है, फिर पार्वती मैया को, फिर भोले बाबा को, फिर दीपक का भी पूजन कर दिया है मैंने। और फिर मैं फूल चढ़ा दूँगी, अक्षत चढ़ा दिए हैं मैंने। और सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है, तो पहले गणेश जी का पूजन कर लिया है। और मेरे पास जो लाल कपड़ा था तो मैंने वो बिछा दिया है, और आपके पास पीले कलर का, सफ़ेद कलर का हो तो आप वो बिछा सकते हैं। फिर मैंने शिव जी को, गणेश जी को जनेऊ पहना दिया है, भोले बाबा को जनेऊ पहना दिया है। उसके बाद मैं वस्त्र रूपी कलावा पहना दूंगी पार्वती मैया को, गणेश जी को और शिव जी को। फिर मैंने पार्वती मैया को पहना दिया है कलावा, उसके बाद मैं पार्वती मैया के लिए चुनरी उड़ा दूंगी। और कोई भी पूजा शुरू करने से पहले हमें दीपक पहले जला लेना है। और अब देखिए, अब मैं करूँगी अभिषेक। मैंने फूल चढ़ा दिया है शिव जी पर, बेलपाती चढ़ा दिए, तो अभिषेक जो है मैंने जल चढ़ा दिया है। फिर दूध, दही, शहद, घी, बूरा, ये सब का मैंने पंचामृत बना लिया था, फिर वो चढ़ा दिया था, फिर से जल चढ़ा दिया है। अब मैं यहाँ तिलक कर रही हूँ शिव जी पर, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है वहाँ पर मैंने सिंदूर लगा दिया है और तिलक कर दिया है। उसके बाद मैंने चावल चढ़ाए हैं, और फिर मैंने जनेऊ पहना दिया है भोले बाबा को, तिल चढ़ा दिए हैं, और इलायची चढ़ा दी है, सुपारी चढ़ा दी है, और ये मैंने मिठाई चढ़ा दी। उसके बाद मैंने इत्र लगा दिया सभी भगवानों के लिए, और इत्र के बाद मैंने यहाँ पर कमलगट्टा चढ़ा दिया, फिर समी पत्र चढ़ाए हैं मैंने, और उसके बाद बेलपत्र चढ़ाए। इन पे मैंने तिलक से चंदन कर लिया था, वो चंदन से तिलक कर लिया था। उसके बाद ये कौआ के फूल हैं, ये धतूरा है, नहीं सॉरी, धतूरे के ही फूल हैं, धतूरा है, ये कौआ के फूल हैं। ये कनेर के पुष्प चढ़ाए मैंने भोले बाबा पर, और उधर मेरे भोले बाबा हैं तो उन पर भी मैंने धतूरा चढ़ा दिया, धतूरा के फूल। और ये बेला के फूल चढ़ा दिए हैं, गुलाल चढ़ा दिया है, श्रृंगार करा दिया है भोले बाबा को गुलाल से। उसके बाद सभी को दीप दिखा देंगे, मतलब आरती कर देंगे। फिर मैं, मुझे जो उद्यापन के लिए सामान मैंने मंगाया था, जो मैंने उस समय साड़ी दिखाई थी अपने उद्यापन वाले में, वो अलग थी साड़ी। ये बात जो मेरे पास उस समय थी मैंने वो ही दिखा दी थी आप लोगों के लिए, और ये बाद में मैंने सब कुछ सामान अपना मंगाया है। ये वो सामान है, ये कुर्ता पजामे का कपड़ा है वाइट कलर का, ये श्रृंगार का सामान है, वो साड़ी है। इसमें मैंने चीनी कर दी है, सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। ये दक्षिणा रख दी, ये रखनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जो चीज़ हमारी मतलब कमी रह जाती है उनको ये जो दक्षिणा होती है वो पूरा कर देती है। और जो बेलपत्र है वो अभी मैंने शिव जी पर चढ़ा दिए, फिर मैं उठा लूँगी। फिर मैंने चावल, फूल और दक्षिणा हाथ में लेके शिव जी से जो मैंने संकल्प लिया था वो आज मेरा पूरा हो गया है। तो वो सब कुछ मैंने अपना बोल कर उसके बाद सब सामान को मन से दिया है। और फिर उसके बाद ये मिठाई है, आप दान में जो भी चीज़ चाहें वो रख सकते हैं। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से रखें। और हाँ, श्रृंगार के सामान पर और सभी चीज़ों पर दक्षिणा ज़रूर रखी जाती है, चाहे 10 रुपये, 11 रुपये रखें या फिर 21 रुपये रखें, जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से रख सकते हैं। फिर मैंने क्षमा याचना कर ली है, सबको प्रणाम कर लिया है, पैर वैर छू लिए हैं। इस तरह से मेरा उद्यापन हो गया है। अब ये सब कुछ मैं किसी मतलब अपनी नंद के लिए भेज रही हूँ। आप अगर मान्य वगैरह नहीं है, कोई पंडित पंडितानी को भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमें अपने मान्य को देना होता है। तो इस तरह से ये सारा सामान है मेरा।
और मेरा आज उद्यापन इसी तरह से मैंने कर लिया था, और ये उद्यापन मैंने शाम से पहले ही कर लिया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाय बाय।